मोतिहारी के सुगौली में नव प्रयास संस्था द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कुल 57 स्कूलों में मिड डे मील पहुंचाया जा रहा था, लेकिन शनिवार को एनजीओ के किचन में ब्लास्ट होने से करीब 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, जिस किचन में मजदूर खाना बना रहे थे उसके भी परखच्चे उड़ गए थे। इस हादसे के बाद से ही स्कूलों में मिड डे मील पहुंचाने का काम पूरी तरह ठप हो गया है। बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन उनको दिन के समय खाना नहीं मिल पाता। बच्चे या तो घर से खाना लाते हैं या फिर स्कूल से जाने के बाद ही खाना खाते हैं। कितना दिन से नहीं मिला? खाना कब से मिलता? अभी आप लोग कैसे खा रहे हैं? आपके विद्यालय में भोजन का काम कौन करता था, कहाँ से आता था? अभी फिलहाल एक मैं से एनजीओ वाला सप्लाई देता। कौन एनजीओ? एनजीओ का होता है नाम, लेकिन नौ प्रयास जो एनजीओ ब्लास्ट हुआ वही करता था। हाँ, बांगड़ा में जो स्थित है। अच्छा, तो अभी खाना आप विद्यालय में बच्चों को कैसे खिला रहे हैं? हमारे यहाँ चावल नहीं है, इसलिए कोई आदेश भी नहीं है, ना चावल सप्लाई है। हाँ। राशि तो है, जिसे मिलेगा उस तरह से। कितने बच्चों को खाना पहुँचाता था? लगभग 100 बच्चे का राशि है। सब बच्चों में कितना बच्चों? वही मदरसे के हेड मदरेश का कहना है कि स्कूल में कुल 150 बच्चे पढ़ते हैं, जिनको 2 दिनों से खाना नहीं मिल पा रहा। अब स्कूल की तरफ से केवल हॉस्टल के 25 बच्चों के ही खाने का इंतजाम हो पा रहा है, बाकी बच्चे घर जाकर खाते हैं। एनजीओ है नो प्रयास, आपके विद्यालय में खाना वही पहुँचाते थे? तो कितना दिन खाना पहुँचाते? 16 तारीख के बाद से खाना पहुँचाते थे, जैसा महीना। अच्छा। 16 तारीख को यह हादसा हुआ। अच्छा, तो हादसा का एक महीना तो उसके बाद खाना नहीं आया। हादसा के बाद आपके विद्यालय में खाना कैसे बन रहा है? अब कोई ऐसी है नहीं है, कोई सूरत है नहीं है, इसलिए बच्चों का खाना बन रहा है जो मतबख में बच्चे हैं। तो खाना हॉस्टल में बच्चे हैं उन लोगों का मन बनवाते हैं, बाहर वाले बच्चों का भी नहीं। हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? हॉस्टल में बच्चे हैं अभी 25। उसके बाद के बच्चे लोग अपने घर जाके खाते हैं? जी जी, अपने घर जाके खाते हैं। वर्तमान में कितना बच्चे अभी हैं? वर्तमान अभी आज पढ़ने वाले की टोटल आज पढ़ने वाले 60 बच्चे आए। 60 बच्चे कितने हैं? कुल बच्चों की संख्या कितना है? कुल बच्चे 150 है। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम नूरुल आयन। इस विद्यालय क्या नाम हुआ? मदरसा फैजुल उलूम सुगौली। शिक्षक हुआ? जी जी, हेड इंचार्ज हेड। बॉयलर ब्लास्ट को केवल 2 दिन ही हुए हैं और ये केवल 3 ही स्कूल का हाल है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर के 154 स्कूलों का क्या हाल होगा। लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। देखना होगा प्रशासन बच्चों की भूख पर कब तक ध्यान देती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।